नमस्ते जोहार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, और अभी चल रहा है सावन का टाइम पे और रांची में वेज खाने की तलाश में बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तो आज हम उनके लिए लेके आ गए एक प्योर वेज रेस्टोरेंट। और ये है रांची के मेन रोड में रेडिसन ब्लू होटल के जस्ट बगल में आपको होटल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के वेज फूड खाने को आपको मिल जाएगी। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते में यहाँ पे देख सकते हो समोसा, कचौड़ी, वेज कटलेट, यहाँ पे सत्तू कचौड़ी, यहाँ पे ब्रेड चॉप और बर्रा, सारा चीज़ आपको यहाँ पे काउंटर में मिल जाएगा खाने के लिए। और होटल के अंदर आप देख सकते हो जो इनका इंटीरियर है और बैठने का जो सिटिंग एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे स्वीट काउंटर मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अलग अलग वैरायटी के आपको मिठाइयाँ खाने को मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो कुल्हड़ वाला रबड़ी है, इधर मिठाई है, इधर गुड़ वाला रसगुल्ला है, छेना पाइस है, केसर भोग है, तो चारों तरफ यहाँ पे मिठाइयाँ भरी पड़ी है। इधर ड्राई फ्रूट्स लड्डू आपको मिल जाएंगे लाइन से। और ये रेस्टोरेंट देखो, रेस्टोरेंट में बैठने का जो एरिया है ना, काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे गिफ्ट के लिए यहाँ पे पैकिंग भी मिल जाएगी, ड्राई फ्रूट्स और जिन्हें भी गिफ्ट पैक करवाना है वो सारा चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो भैया क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ आपको सुबह ब्रेकफास्ट में आपको इडली है, डोसा है, सांभर बड़ा है, पूरी सब्जी जलेबी है, छोले भटूरे है, पाव भाजी है, चाट है, पराठा मिलेगा आपको, आलू पराठा, पनीर पराठा, सत्तू पराठा। सुबह में हम लोग का ब्रेकफास्ट होता है। सुबह कितने बजे से? ये आपको सुबह 7 बजे से इडली डोसा चालू हो जाता है, इडली डोसा पूरी चालू हो जाता है। उसके बाद आपका 12 बजे से चालू हो जाएगा हम लोग का वेज थाली, रोटी सब्जी, तंदूरी नान, मसाला कुलचा। और यहाँ पे अपने यहाँ स्पेशल वेज थाली भी है? स्पेशल वेज थाली भी मिलेगा, नॉर्मल थाली भी मिलेगा। नॉर्मल थाली में आपका चावल आएगा, 2 पीस रोटी आएगा, मिक्स वेज सब्जी, पनीर बटर मसाला, दाल, रायता, सलाद, पापड़, अचार, एक मीठा। स्पेशल थाली में आपका लच्छा पराठा आएगा, पुलाव आएगा और आपका एक बड़ा मीठा भी आएगा और एक दही बड़ा भी आएगा। स्पेशल थाली बहुत बढ़िया थाली। क्या प्राइस है स्पेशल थाली का? स्पेशल थाली अगर आप बैठ के खाएंगे तो 230 रुपये लगेगा। अच्छा। और अगर आप ले जाएंगे तो 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज। तो काफी पुराना होटल? काफी पुराना होटल है। और क्या ऐसा खिला देते हैं जो लोगों का एकदम भीड़ लगा रहता है यहाँ पे? सर देखिए, यहाँ का क्वालिटी सबसे अच्छा है। अच्छा। सब चीज का क्वालिटी, इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पाव भाजी, चाट, रोल, बाकी वगैरह सब चीज आपको अच्छा मिलेगा। मतलब जो भी लोग खाएंगे क्वालिटी के साथ कोई कम्प्रोमाइज? एकदम कोई कम्प्रोमाइज नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और भैया हम आसपास देख रहे हैं यहाँ पे मिठाई की भी बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है, कितने प्रकार का मिठाई मिल जाएगा यहाँ पे? यहाँ सर हम लोग बहुत प्रकार का मिठाई है, 35-40 प्रकार का मिठाई है। जैसे तरी रसगुल्ला, मलाई चौप, गुलाब जामुन, छेना पाय, रसमलाई, मलाई सैंडविच, राबड़ी, वाह क्या बात। उसका बाद आपका कुल्हड़ वाली रबड़ी, काजू बर्फी, सोन पपड़ी, पतीसा, डोडा बर्फी, मिल्क केक, गोंद लड्डू, बेसन लड्डू, प्लेन लड्डू, घी का लड्डू, नारियल लड्डू, बहुत सारा मिठाई, बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वालिटी का मिठाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे नाश्ता लिया है और हमने लिया है जलेबी, समोसा, वेज कटलेट और कचौड़ी। और साथ में यहाँ पे देख सकते हो ये मीठी चटनी है, तो हम फटाफट इसे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारा नाश्ता आ चुका है और हमने लिया है समोसा, जलेबी, कचौड़ी, वेज कटलेट और यहाँ पे हमारा गुलाब जामुन आ चुका है और ये आलू और चने की सब्जी है। तो यहाँ पे आपको सुबह सुबह के टाइम में नाश्ता में बहुत सारे वैरायटी खाने को मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट हम अपने नाश्ते को टेस्ट करते हैं वरना हमारा ये जो नाश्ता है वो ठंडा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है कचौड़ी, ये हमारा कचौड़ी आ चुका है जैसे कि आलू चने की सब्जी के साथ में खाने वाले हैं। और सारा चीज़ ना यहाँ पे एकदम गर्मा गर्म आपको मिलेगा। कचौड़ी आप यहाँ पे देख सकते हो जो सत्तू का जो लेयर है ना, क्वांटिटी एकदम भर भर के इसमें डाला गया है। ये हमारा समोसा आ चुका है जिसे हम मीठी चटनी के साथ में टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट काफी बढ़िया दोस्तों। तो अभी सावन का टाइम चल रहा है और जो भी एक प्योर वेज रेस्टोरेंट की तलाश में रहते हैं, रांची की सड़कों पे घूमते रहते हैं, उनके लिए ये रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया। आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा ताजी, फ्रेश, गर्मा गर्म मिलेगा और जो स्वाद है ना भाई साहब, सच में लाजवाब है, तभी मैं इस होटल की इतनी तारीफ कर रहा हूँ। और ये हमने लिया है नाश्ते में गुलाब जामुन और गर्मा गर्म गुलाब जामुन का मतलब टेस्ट क्या ही बोले।
एकदम सॉफ्ट, टेस्ट काफी बढ़िया। तो फटाफट हम इन सारे चीजों को फिनिश करते हैं। और हमने यहाँ पे ऑर्डर किया डोसा, और हमारे यहाँ पे डोसा भी आ चुका है, तो इसे हम फिनिश करते हैं और डोसे को फिर टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, समोसा, जलेबी, कचौड़ी फिनिश करने के बाद यहाँ पे हमने लिया है मसाला डोसा, जिसका प्राइस है 120 रुपये। 120 रुपये में देख सकते हो मसाला डोसा का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे महाराजा डोसा इसे बोलते हैं। और ये हमारा चटनी आ चुका है, और ये सांभर देखो, गाढ़ी सी ये ग्रेवी है सांभर की। चलिए देर नहीं करते, फटाफट से टेस्ट करते और आपको बताते हैं इस मसाला डोसे का टेस्ट। तो ये हमने तोड़ा और काफी गर्मा गर्म सा है। पहले चटनी में डिप करेंगे। ये देखो भाई, टेस्ट काफी बढ़िया है। तो टेस्ट काफी बढ़िया है, और देख सकते हो भर भर के इसमें आलू, बादाम और सारे मसालों को डाला गया, भुन भुन के डाला गया। जब आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा ना, ऑर्डर लिया जाएगा और आपकी आंखों के सामने गर्मा गर्म ताज़ा और फ्रेश बना के दिया जाएगा। तो मुझे जो इनका नाश्ते का आइटम है वो काफ़ी बढ़िया लगा। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, और हमारे आसपास और पीछे यहाँ पे देख सकते हो लोगों का भीड़ लगा हुआ है यहाँ के वेज खाने को खाने के लिए। ये होटल काफ़ी बढ़िया है, इसीलिए यहाँ पे लोगों का भीड़ लगा रहता है। तो अभी सावन का टाइम चल रहा है और आप ढूंढ रहे हो प्योर वेज रेस्टोरेंट जहाँ पे एकदम प्योर शुद्ध खाना खिलाया जाता है, ये होटल आपके लिए बेस्ट है। और इस जगह की लोकेशन की बात करें तो आपको सुजाता चौक के बगल में स्मार्ट बाजार है, जहाँ पे पहले बिग बाजार हुआ करता था, वहीं पे भैया का एक होटल है न्यू राज रेस्टोरेंट। तो आपको यहीं पे आना है, टेस्ट काफ़ी बढ़िया दोस्तों। अगर आप भी सावन में किस तरह का वेज रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो तो एक बार यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हो। या आपने कभी यहाँ के खानों को खाया हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहाँ के खानों का टेस्ट कैसा लगता है। टेस्ट काफी बढ़िया है, मैं फटाफट इसे फिनिश करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो टेस्ट की बात करें तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, टेस्ट काफी बढ़िया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना। तो मैं फटाफट यहाँ पे अपने महाराजा डोसे को फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।